बोला जाए सर, आज जो भी निर्णय हुआ है न्याय का जीत हुआ है, इसमें कोई हारा जीता नहीं है, देश जीता है। और हम लोग यह आशा करते हैं कि पूरे देशवासी इस न्याय को स्वीकार करते हुए और शांति सद्भाव बनाए रखें। क्या पूछना है? अयोध्या के फैसले, अयोध्या मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों की जीत हुई है, भारत जीता है, भारतीय समाज जीता है। अयोध्या के द्वारा पूरे देश में सांस्कृतिक विजय का स्थापित होना यह हम सब के लिए गर्व की बात है। कोई नहीं कहेगा राम काल्पनिक है, राम का जन्म अयोध्या में उसी स्थान पर हुआ था, यह सिद्ध हो गया है। यह करोड़ों करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है, यह ऐतिहासिक क्षण है। सबको आभूष मिलेगा, इस खुशी को बांटकर सीतामढ़ी के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक इसलिए है कि सीता की ये जन्मभूमि है, यहाँ पर उनका घर है और आज अयोध्या में सीता के राम की जन्मभूमि मिल रही है, इसलिए सीतामढ़ी के लिए और ही आनंद का विषय है। और जब राम की जन्मभूमि हो गई तो सीता राम मैं सब जग जानी, सीतामढ़ी के लिए बहुत ही आनंद का विषय है, आप लोग के लिए भी, इस शहर के लिए भी बहुत आनंद का विषय है। बहुत अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम सभी भारतीयों के लिए सम्मानपूर्ण है, हम सभी भारतीयों का गौरव की बात है। तो हम न्यायालय की फैसला की सम्मान करते हैं और हम अपने भारतवासी से अपील करना चाहता हूँ किसी तरह की कोई घटना न हो और शांति बहाल रखें। मैं अनिल कुमार राव, प्रवासी कार्यकर्ता, लोक शिक्षा समिति में क्षमा करेंगे, 9 नवंबर 2019 शनिवार, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन को इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में हम लोग लिखेंगे और संयोग ऐसा है कि आज ही के दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी हुआ था और आज ही के दिन इसका जो है फैसला भी आया है। हम इसको तहे दिल से स्वागत करते हैं, प्रसन्नता प्रकट करते हैं और सभी भारतवासियों से आग्रह करेंगे कि इसी तरह पूरे देश में एकता का, धैर्य का और मर्यादा का, आज राम का जो है जय जयकारा हो रहा है। राम के अंदर ये दो गुण था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और धैर्यवान भी थे, तो ये दो जो है आज का ये सीख लिया, इससे शिक्षा भी मिलती है। आज फैसला से व्यक्ति को, हम सभी भारतवासियों को के पास अंदर धैर्यता होनी चाहिए और मर्यादा का एक ध्यान भी रखना चाहिए। मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा, विभाग निरीक्षक सीतामढ़ी एवं दरभंगा विभाग, लोक शिक्षा समिति, या परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं, हाँ सत्य की विजय हुई है और हम सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को हृदय से स्वीकार करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और भारतवासियों से मैं निवेदन करती हूँ कि शांति और प्रेम पूर्ण भावना से अपने देश में रहकर कार्य करें। मैं प्रियंका प्रीति, प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, मेला रोड दिया, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। यह किसी व्यक्ति की जीत नहीं है, यह प्रभु श्री राम की जीत है, राष्ट्रीयता की जीत है। अभी निर्णय के बाद देख रहे हैं कि सौहार्द आपस में समाज में बढ़ा हुआ है, सारा पक्ष संतुष्ट है। मैं सराहना करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। हम लोग की अध्यक्षता के अनुरूप है, सत्य की जीत हुई है और सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि भगवान राम लला का जो मामला हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे झुठलाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु आज सत्य की जीत हुई है और पूरे देशवासियों को इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपका परिचय सर? उमा शंकर, क्षेत्रीय कंप्यूटर पुलिस, विद्या भारती। अयोध्या के जो मसले हुए हैं, फैसले जो हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है, आपका परिचय के सही बताएं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं, सत्यमेव जयते। क्या आपका परिचय? बस मिथिलेश कुमार सिंह, विभाग निरीक्षक, सिवान विभाग, लोक शिक्षा समिति। अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसका हम तमाम लोगों को सम्मान करना चाहिए और
ये हम सब लोगों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। हमें धैर्य भी रखना है और संयम भी बरतना है और ऐसा माहौल बनाना है ताकि आपसी सौहार्द बिगड़े नहीं। इसमें न इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें न किसी की जीत हुई है न किसी की हार हुई। हम सब लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज पूरे दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पे है। देखना चाहते हैं लोग कि इस फैसले के बाद हिंदुस्तान के लोगों पे क्या असर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी साझी विरासत और सामाजिक ताना बाना को बिखरने नहीं देंगे। हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि हम एक थे, एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। और ये अपील है तमाम हिंदुस्तान के लोगों से, ख़ास तौर पर सीतामढ़ी जिला के वासियों से, कि हम सब लोग मिलकर अमन और शांति कायम रखें, आपसी सौहार्द बनाए रखें। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि एक अच्छे माहौल में आपसी सौहार्द को बनाए रखने में न सिर्फ प्रशासन का सहयोग करें बल्कि सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन करें। चेयरमैन नगर परिषद सीतामढ़ी, वर्तमान में जिला सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड सीतामढ़ी। अयोध्या के फैसले पर आपका क्या कहना है? हम लोग उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सर्वमान्य फैसला है। 2.5 एकड़ की जगह पर 5 एकड़ हम लोगों को दिया गया। मस्जिद का औचित्य नहीं था वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ाई जाती वहाँ पर मस्जिद हम लोग के मसलक में नहीं है। रह गया बात विवादित ढांचे का, तो विवादित ढांचा पर मस्जिद का निर्माण कराया ही नहीं गया था। वो मस्जिद था, वहाँ नमाज हुआ करता था। लेकिन चलिए, और भाई छोट भाई का लिहाज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसको हम लोग सर्वसम्मति से मानकर स्वागत करते हैं। में राम के नाम पर उस जमीन को दिया गया, नहीं कि किसी विश्व हिंदू परिषद को दिया गया है, न किसी ये इसको दिया गया जो संगठन सब जो लड़ रहा निर्मोहिया खारा उन लोगों को दिया गया। ये सर्वमान्य मतलब राम तो सबका है, राम तो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, भाई राम तो सबका है।